अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली में पेमेंट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको रिसीट वाउचर में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताया था। उस वीडियो में महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के तरीके को सरल और विस्तृत रूप में बताया गया है, साथ ही टैली के कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन का भी उपयोग किया गया है और यही तरीका बाकी सभी वाउचर्स के लिए भी है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि उस वीडियो को अवश्य देख लें। और एक बात का ध्यान रखें कि आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से पेमेंट वाउचर के बारे में समझ लेते हैं। जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से कोई भी पेमेंट किया जाता है तो इस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि यदि आपने कैश परचेस से संबंधित कोई पेमेंट की है तो वो इस वाउचर में नहीं आएगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि टैली ने परचेस के लिए अलग से वाउचर बना रखा है। ट्रांजैक्शन पहचानने वाली वीडियो में हमने पेमेंट वाउचर से संबंधित कुछ ट्रांजैक्शन छांट लिए थे, उन्हें यहाँ हम फिर से बताएंगे और उनके आधार पर पेमेंट वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है 2 जून को राम शर्मा को नकद 2,000 रुपए उधार दिए। पहला सवाल है, इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं? ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ पर नकदी गई है तो ये हुआ एक खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं, नकदी किसे दी है? तो हमने नकदी राम शर्मा को दी है, यानी इस ट्रांजैक्शन से प्रभावित होने वाले 2 खाते हैं नकदी यानी कैश और राम शर्मा। दूसरा सवाल ये कि खाते किस प्रकार के हैं? नकदी यानी कैश का खाता रियल अकाउंट है और राम शर्मा का खाता पर्सनल अकाउंट। अब तीसरा सवाल, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट? राम शर्मा को हमने रुपए उधार दिए हैं तो राम शर्मा हुआ पाने वाला। ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के लिए नियम है डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाले को डेबिट करो, मतलब राम शर्मा का खाता डेबिट होगा। अब हम देखते हैं दूसरे खाते को जो कैश का है। कैश गया है, ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के लिए नियम है जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। चलिए अब टैली में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ हमने टैली में अपनी कंपनी ओपन कर ली है। यदि आपको किसी निश्चित तारीख में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो आप यहीं से करंट डेट बदल सकते हैं। डेट के लिए F2 प्रेस करें और आप जो तारीख चाहते हैं वो टाइप कर दें। जैसे हम 2 जून चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 2 जून टाइप कर दिया है। अब एंटर प्रेस करें, देखिए करंट डेट में 2 जून आ गई है। अब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ हमें ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना होगा और उसके लिए कीबोर्ड पर V की को प्रेस करें। संभवतया आपके सामने पेमेंट वाउचर ही खुला होगा, पर यदि कोई दूसरा वाउचर खुला हो तो देखें राइट साइड में वर्टिकल बटन बार में सभी वाउचर्स और उनके नाम के पहले उनके शॉर्टकट्स दिखाई पड़ रहे हैं। पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करें। ऐसा करते ही पेमेंट वाउचर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी।
अभी हम डेट पर हैं और डेट में वही तारीख दिखाई पड़ रही है जो हमने करंट डेट में ली थी। हमें 2 जून में ही वाउचर बनाना है, इसलिए हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात समझाना चाहेंगे। मान लीजिए आपको किसी एक ही तारीख में कई सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, यानी आपको बार बार डेट बदलने की जरूरत नहीं है, तो फिर बार बार डेट फील्ड पर क्यों जाएं? कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करके आप इससे बच सकते हैं। उसके लिए F12 की प्रेस करें। F12 प्रेस करते ही आप कॉन्फ़िगरेशन विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ दिखाई पड़ रहे पहले ऑप्शन स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री को यस कर दें और फिर इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। ऐसा करने से अब ये होगा कि आप जब भी कोई वाउचर बनाएंगे तो डेट फील्ड में कर्सर नहीं आएगा, और जब भी आपको वाउचर की डेट बदलने की आवश्यकता हो तो F2 की प्रेस करके आप उसे बदल सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलर में DR यानी डेबिट ऊपर आ रहा है, जबकि हमने रिसीट वाउचर में यहाँ पर CR लिखा हुआ देखा था। उसका कारण ये है कि टेली ने हमारी सुविधा के लिए पेमेंट वाउचर में ऊपर डेबिट दिया है। डेबिट में हम जिसे रुपया देते हैं उस लेजर का नाम लेना होता है, जैसे कि कोई पार्टी का अकाउंट या कोई एक्सपेंसेस अकाउंट या फिक्स्ड असेट का अकाउंट हो सकता है। इसके बाद क्रेडिट में हमने जिस तरह से रुपया दिया है, जैसे कैश या बैंक के माध्यम से, तो उसका अकाउंट लेना होता है। ध्यान रखें, पेमेंट वाउचर में जिसे आप पेमेंट देते हैं उसका अकाउंट हमेशा पहले आता है और वो डेबिट होता है, और जिस तरह से रुपया दिया जाता है, जैसे कैश या बैंक अकाउंट के माध्यम से, वो बाद में आता है और वो क्रेडिट होता है। डेट के बाद हम एंटर प्रेस करके DR पर आ गए हैं। देखिए, राइट साइड में एक लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है, पर इसमें राम शर्मा का नाम नहीं है क्योंकि हमने इसका लेजर बनाया ही नहीं है, तो ये लेजर हम यहीं से बना सकते हैं। उसके लिए ऑल्टर और सी कीज को प्रेस करें। देखिए, लेजर क्रिएशन विंडो आ गई है। नेम में हम राम शर्मा टाइप कर रहे हैं, और चूंकि हमने ये रुपए उधार दिए हैं तो हम अंडर में लोन्स एंड एडवांसेस ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं। यदि आप ग्रुप का निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स की मदद ले लें। अब कंट्रोल और ए कीज की मदद से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। देखिए, ऐसा करते ही डेबिट में पार्टी का नाम आ गया है। अब यहाँ अमाउंट डालना होगा। अमाउंट डाल करके एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही आप नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर CR दिखाई पड़ रहा है और हमें यही चाहिए। एंटर प्रेस करें। अब यहाँ क्रेडिट में पहले बताए अनुसार लेजर सेलेक्ट करें। हम कैश अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही हमने जो राशि डेबिट में लिखी थी वही राशि क्रेडिट में भी आ गई है। एंटर प्रेस करें। अब नरेशन में आपने ऊपर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है उसका संक्षिप्त विवरण दे दें। हमने यहाँ टाइप किया बीइंग रुपीज 2000 लोन गिवन टू राम शर्मा। अब एंटर प्रेस करते हुए इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें और अब एस्केप की दबा करके वापस गेटवे ऑफ टेली पर चलते हैं। अब दूसरा ट्रांजेक्शन है, 31 जुलाई को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3000 रुपए का चेक देकर साइकिल खरीदी। सबसे पहले प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं ये देख लेते हैं। यहाँ साइकिल खरीदी गई है तो ये हुआ एक खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं, साइकिल खरीदने के लिए पेमेंट किस तरह से किया गया है। तो वो बैंक का चेक दिया है, यानी पेमेंट बैंक द्वारा किया गया। इस तरह हमने देखा कि ट्रांजेक्शन से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, साइकिल अकाउंट और बैंक अकाउंट। यहाँ हमारा बैंक अकाउंट से तात्पर्य है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। दूसरा सवाल है, खाते किस प्रकार के हैं? देखिए, बैंक का खाता पर्सनल अकाउंट है और साइकिल का खाता रियल अकाउंट है। इसे चार्ट ऑफ अकाउंट की सहायता से भी पता कर सकते हैं। ये देखिए, बैंक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और साइकिल का खाता रियल अकाउंट है। यहाँ हमने दोनों खाते किस प्रकार के हैं ये कंफर्म कर लिया है। अब तीसरा सवाल, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट? साइकिल का खाता रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट्स के लिए नियम है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन।
यहाँ साइकिल आई है मतलब साइकिल अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा खाता है बैंक का और ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स के लिए नियम है क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ बैंक से पेमेंट किया गया है मतलब देने वाला बैंक अकाउंट है तो ये क्रेडिट होगा। जैसा कि हमने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स वाली वीडियो में बताया था, हम उस तरीके से इसे कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इस ट्रांजैक्शन का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक का बैलेंस कम होगा, साथ ही साइकिल खरीदी है तो साइकिल खाते का बैलेंस बढ़ेगा। देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में बैंक का खाता असेट्स के अंतर्गत आता है और इसका नियम है यदि बैलेंस डिक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करो। अब साइकिल का अकाउंट देखते हैं, ये भी असेट्स में आता है और इसके लिए नियम है यदि बैलेंस इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करो। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कंफर्म हो गया है कि हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स की सहायता से जो निर्णय लिया था वो सही है। चलिए अब टैली में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए वी प्रेस करें। यहाँ पेमेंट वाउचर की विंडो ही आ रही है क्योंकि अभी हमने इसके पहले पेमेंट वाउचर का उपयोग किया था। यदि नहीं आ रही है तो उसके लिए F5 प्रेस करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि कर्सर डेट वाले फील्ड में नहीं रुका है क्योंकि इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन के समय हमने कॉन्फ़िगरेशन में जाकर ऑप्शन को चेंज कर दिया था। अब हमें वाउचर की डेट बदलना है तो उसके लिए F2 प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर डेट डाल दें, एंटर प्रेस करें। DR में यानी डेबिट में जिसको या जिस बिहाफ पर पेमेंट किया गया है उस लेजर का नाम सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ हम साइकिल अकाउंट सिलेक्ट करना चाहते हैं पर ये लेजर हमने बनाया नहीं है, तो इसका लेजर बनाने के लिए Alt और C कीज को एक साथ प्रेस करेंगे। ये लेजर क्रिएशन विंडो आ गई है, यहाँ लेजर का नाम टाइप करेंगे फिर एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ अंडर में फिक्स्ड असेट्स ग्रुप सिलेक्ट करें और फिर इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। देखिए ऐसा करते ही डेबिट में अकाउंट का नाम आ गया है। अब हमें यहाँ पर अमाउंट डालना होगी, अमाउंट डाल करके एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही नीचे वाली लाइन में यहाँ पर आप CR लिखा हुआ देख रहे हैं, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ क्रेडिट में पहले बताए अनुसार लेजर सिलेक्ट करें। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही हमने जो राशि डेबिट में लिखी थी वही राशि क्रेडिट में भी आ गई है, एंटर प्रेस करें। यहाँ पर पिछली वीडियो में बताए अनुसार बैंक एलोकेशंस में ट्रांजैक्शन का प्रकार चुनें और बाकी डिटेल्स भर दें। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। अपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से हम यहाँ पर नरेशन टाइप कर रहे हैं। बीइंग ₹3,000 पेड टुवर्ड्स परचेज ऑफ साइकिल विदे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक नंबर 12455। अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हम किसी भी वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हें हम कैसे देख सकते हैं और इस ट्रांजैक्शन में हमने जो लेजर्स उपयोग किए हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम आपको सभी वाउचर्स के उपयोग को समझाने के बाद बताएंगे। इस वीडियो में आपने पेमेंट वाउचर के बारे में जाना और इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या हैं और उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आपसे एक और निवेदन करना चाहेंगे, हर वीडियो में हम कुछ नई बातें डिटेल में समझाते हैं और बाद में उनका शॉर्ट में उपयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ उपयोगी सीखने से आप वंचित ना रह जाएं या कोई भी काम की चीज आपकी ना छूट जाए तो कृपया सभी वीडियोस को क्रमानुसार ही देखें। आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF दिया है।